अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी के अंदर हम देखेंगे कंपाउंड पेंडुलम या जिसे हम फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी है डेट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने इससे पहले के जो दो लेक्चर देखे वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन थे, यानी हमने सिंपल पेंडुलम देखा, हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम देखा। तो आप सोचो जरा, वो एक लाइन पे चलते हैं तो इसलिए वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का लीनियर के साथ थोड़ा सा ताल्लुक भी इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। उस चीजें सारी वही है, अगर आपको सिंपल पेंडुलम की समझ है, अगर आपको स्प्रिंग मैच सिस्टम की समझ है, तो आप बड़ी आसानी से भी ये बात समझ जाएंगे। तो जनाब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो, किस टाइटल के किसके तहत समझेंगे हम? कंपाउंड पेंडुलम के तहत। इसे हम फिजिकल पेंडुलम भी कहते हैं। तो ये होता क्या है जरा वो समझ लेते हैं। कंपाउंड पेंडुलम बुनियादी तौर पर एक रिजिड बॉडी होगा जो कि स्विंग कर सकेगा इन वर्टिकल प्लेन और किसी ना किसी एक्सिस के गिर्द, अबाउट एन एक्सिस। तो ऐसा कोई रिजिड बॉडी जो एक वर्टिकल प्लेन में स्विंग कर सकता हो किसी एक एक्सिस के गिर्द, जो किसी एक पॉइंट से गुजरे, तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या बन गया, कंपाउंड पेंडुलम, या इसे क्या नाम दे देंगे, फिजिकल पेंडुलम का नाम दे देंगे। तो बात समझ आ रही है? तो अब आपको डेफिनेशन समझ आ रही है कंपाउंड पेंडुलम की। डेफिनेशन क्या है? अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन पॉइंट इन इट फॉर्म अ कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। तो जनाबे वाला, अब आपको उसका बेसिक समझ आ गया कि एक रिजिड बॉडी जो वर्टिकल प्लेन में किसी एक पॉइंट के गिर्द, जब किसी एक इंस्टेंट पे आप उसे देखेंगे, वो मूव कर रहा होगा, स्विंग कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम बनेगा। अब जब मुझे इसकी मोशन को स्टडी करना है तो मैं इसमें रिजिड बॉडी को जाहिर है अपनी जगह से हिला दूंगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क को हम यहाँ पे रिस्टोरिंग कपल कहते हैं, जो उसको वापस लाएगा उसकी असल जगह पे, जिससे क्या शुरू हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगी। कैसे जरा समझते हैं। तो जनाबे वाला, आपके पास लेट से एक मैस है एम, आपको देख रहे हैं कि इरेगुलर शेप्ड है बॉडी है, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब आप देखो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन है, मैंने फोर्स लगा के इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। अब जनाब जी कितना मैं इसकी जो आपके पास एक्सिस है, पिविट आपको दिख रहा है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है, डेट इज डिस्टेंस डी है, मैंने कितना डिग्री डिस्प्लेस किया, थीटा डिग्री डिस्प्लेस किया। तो जनाब इसका वेट डाउनवर्ड है, तो इसके वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो एम जी साइन थीटा इसको वापस लाना चाहता है कहां पे, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसका मतलब जो रिस्टोरिंग कपल होगा वो कौन सी फोर्स बनाएगी, एम जी साइन थीटा। तो कपल कैसे बनता है जनाब, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो पिविट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का ये फासला डी, ये मेरे लिए पिविट मूवमेंट आर्म का रोल प्ले करेगा। तो डी को मैं जरब दे दूंगा किस से, एम जी साइन थीटा से, तो वो चीज मेरे पास बन जाएगी एमजीडी साइन थीटा। नेगेटिव क्यों ला रहा है, नेगेटिव क्योंकि वो मेरी लगाई गई फोर्स के, मैंने जिस सिंथ में डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट है। तो जनाबे वाला आपके पास माइनस एमजीडी साइन थीटा एक रिस्टोरिंग फोर्स का, रिस्टोरिंग कपल का काम करेगा। तो जनाबे वाला अब अगर मैं कहूं कि ये जो थीटा है ये इंतहाई इंतहाई स्मॉल है, तो जो आपका कपल प्रोड्यूस होगा, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा भी आगे करके कैसे। तो इसीलिए इस ओसिलेशन को क्या मानेंगे, सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हो गया ना कि आपने कोई रिस्टोरिंग, इसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स डिस्कस ही नहीं की। हार्मोनिक इसलिए क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो वो आपके पास दो बातें, सिंपल का मतलब भी अब आपको समझ आता है। सिंपल का लफ्ज हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम कोई डैम्पिंग नहीं देखते, कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं देखते। तो ये सिंपल सा
केस है। हार्मोनिक इसलिए क्योंकि हमारी ओसिलेशन जो हमारा टॉर्क है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो जनाबे वाला अब जो रिस्टोरिंग कपल था वो कितना था, एम जी डी साइन थीटा। चूंकि अब थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा मेंशन किया जा सकता है, तो टॉर्क जो रिस्टोरिंग कपल होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, एम जी डी थीटा के। माइनस आपको मैंने बता दिया कि वो मेरी लगाई गई फोर्स के, मेरी लगाए गए टॉर्क के अपोजिट है। तो जनाब अब यहाँ पे जो k आप एक लिखेंगे, k यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आएगा, जो हम रिस्टोरिंग टॉर्क पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यानी k बराबर होता है किसके, टा बाई थीटा के। तो अगर आप इस फार्मूले से k बाई टा बाई थीटा निकालते हो तो एम जी डी बचेगा मैग्नीट्यूड में, तो इस एम जी डी को हम क्या नाम दे देंगे, k का। तो इसका इक्वेशन नंबर वन में एम जी डी की जगह क्या लिखा जा सकता है, k लिखा जा सकता है। तो टा बराबर आ गया इज इक्वल टू माइनस के थीटा के। तो जनाब k तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, तो आपके पास टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा के। वो जो मैंने कहा था कि रिस्टोरिंग कपल प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज के, थीटा के, तो वो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंट खत्म करते हो तो टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, थीटा के। दैट्स मेक इट हार्मोनिक। ओके, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें कि भाई जो सिंपल पेंडुलम, जो आपका कंपाउंड पेंडुलम है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो आप देखोगे कि जो टॉर्क है वो बराबर है किसके, माइनस के थीटा के, और जो अप्लाइड टॉर्क होगा दैट इज टा इज इक्वल टू आई थ्री अल्फा, जिसे आप कह लो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल लोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा। तो आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा डबल डॉट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अप्लाइड टॉर्क। तो अप्लाइड टॉर्क बराबर हो गया किसके, माइनस के थीटा के। तो दैट इज इक्वेशन नंबर टू, जो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन समझाएगी किसकी, कंपाउंड पेंडुलम की या फिजिकल पेंडुलम की। अब आई यहां पे क्या है, आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, के यहां पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो आपके पास यहां से थीटा डबल डॉट किसके बराबर लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वलेंट टू माइनस के ओवर आई थीटा। आपको लीनियर वाला केस याद है, लीनियर में भला क्या था कि एम एक्स डबल डॉट बराबर आया था माइनस के एक्स के। अगर एम यहां से दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस के बाई एम आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा है, सेम वही चीज बन रही है ये एंगुलर के अंदर, दैट इज एक्स डबल डॉट लीनियर एक्सेलरेशन, थीटा डबल डॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देन आपके पास के इज अ कॉन्स्टेंट, एम इज अ कॉन्स्टेंट। तो सेम केस आपके पास लीनियर में, सेम केस आपके पास एंगुलर में। तो जनाबे वाला अब हम जो पीरियड का फार्मूला जानते हैं, टाइम पीरियड का 2 पाई ओवर ओमेगा, हम जानते हैं कि आपके पास अब यहां से के ओवर आई को हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग हमने जो टॉपिक पढ़ा था हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, वहां पे हमने इसे समझा था, प्रूफ किया था। तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के ओवर आई फ्रॉम दिस रिलेशन। तो आप सिंपल ओमेगा किसके बराबर लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के ओवर आई के। तो आप टाइम पीरियड के टूल में ओमेगा की वैल्यू प्लेस करोगे, आई ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर रूट आई ओवर के आ जाएगा। अगर आपको स्प्रिंग मैस वाला याद हो तो एम बटा के आ रहा था, तो अब आपके पास के सारे का सारा किसके बराबर हमने पढ़ा हुआ है, के सारे का सारा एम जी डी है। तो क्या मैं यहाँ पे के की जगह एम जी डी प्लेस कर सकता हूं, तो डेट इज द पीरियड ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मैस ऑफ द बॉडी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी द डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज डी आपके पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो जनाब अब आपके पास ये टूल आ चुका है, अब इसमें जो आई का जरा रोल है वो समझते हैं। अब एक थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये क्या कहता है कि भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एन एक्सिस, कि किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस होता है वो पैरेलल टू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वो आपके पास पैरेलल हो किसके, एक एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ये हमेशा इक्वल आएगा किस चीज के, मास ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
आपके पास इसमें सम है, तो सम को मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं आपके पास के जनाबे वाला। तो आपके पास सम होगा किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, बिटवीन टू एक्सिस। तो समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब दो तरह के मुझे चीजें देखनी है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है मुझे उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है वहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, एक देखना है मुझे उस पूरी बॉडी का मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो दो एक्सिस के बीच में आएगा। अब ये दो एक्सिस कौन से, एक जो है ना जो अबाउट एन एक्सिस है और जो एक उसके क्या होगा पैरेलल जो होगा, ठीक है, पैरेलल टू एन एक्सिस। तो कितनी तरह के एक्सिस आ गए, एक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस देखा और पैरेलल जो उसके एक्सिस था जो कहां से गुजर रहा था, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था। तो जनाबे वाला समझ आ रही है? तो आपके पास ये चीज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है। मैं सादा सादा जुबान में फिर बोलता हूं, जब कोई जिस्म, जब हम किसी जिस्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के गिर देखते हैं तो उसी एक्सिस के पैरेलल में एक एक्सिस होता है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होता है, ठीक होगी बात? तो कितने एक्सिस हो गए, एक वो एक्सिस जिसके गिर्द मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, एक वो एक्सिस जो किसमें से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। तो ये जो इसका अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इक्वलेंट आएगा किसके, सम होगा किसका, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने अब सेंटर ऑफ मास के गिर्द से निकाला और वो जो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस था आ गया। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर आ जाएगा आई जी, तो आई जी वो वाला जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकल रहा है, प्लस एम डी स्क्वायर, तो डी कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस दो एक्सिस के दरमियान का। तो यहां से जनाब आपके पास इसमें आई एम के लिख सकते हैं, के यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ ग्रेडियन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लें, तो यहां से आपके पास एम कॉमन लिया जा सकता है, आई बराबर आ जाएगा एम इंटू के स्केयर प्लस डी स्केयर। आई की ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है, जब मैं आई की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूंगा तो जनाबे वाला आपके पास इसमें से ये एम इस एम से कट जाएगा, तो ये जो चीज है के स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर डी, इसको हम लेंथ मान लेंगे, तो आपके पास ये चीज आप इस तौर पे आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो ये जो लेंथ है ये तो आपके पास सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट आ गया कि टाव बराबर आ गया किसके 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पूरी बॉडी को कंफाइन करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, पॉइंट मास जितना ले लोगे, सेंटर ऑफ सारे मास को कहां पे कंसंट्रेट कर दो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो क्या ये एक तरह से बिल्कुल सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट ही नहीं बन जाएगा? तो ये डी मेरे लिए एक तरह से लेंथ का रोल प्ले करेगा। तो आपके पास ये चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि ये एक तरह से फिजिकल पेंडुलम को हम रिवर्सिबल पेंडुलम भी कह सकते हैं कि हम उससे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं कंडीशंस लगा के, ठीक है। तो जैसे एक बार पेंडुलम होता है या कार्टर पेंडुलम है, वो हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम की क्या है एग्जाम्पल है। तो जनाब आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई एंगुलर हार्मोनिक मोशन क्या होती है, फिर आपने उसको समझा किसकी मदद से, फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम की मदद से, आपने उसका टाइम पीरियड निकाला, आपने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन समझी, फिर आपको देखा कि उसमें हमने एक स्पेशल कंडीशन लगा के उसको सिंपल पेंडुलम का केस बनाया। तो हमने देखा कि कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम जो होगा सिंपल पेंडुलम, उसी की एक खास टाइप हो जाएगी, एक कंडीशनल चीज हो जाएगी। तो बेसिक चीज हमारे पास अब ये आ गई कंपाउंड पेंडुलम, जिसे हम कंडीशन लगा के कुछ भी बना सकते हैं, फिर आगे फर्दर डिफरेंट हिस्सों में समझ सकते हैं। तो आपके पास आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको टॉपिक में कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।